इंटर पास करने के बाद छात्र छात्राओं के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह होती है कि आगे चलकर किस विषय की पढ़ाई करें, कौन सा करियर चुनें जिसमें उन्हें अच्छी नौकरी के साथ ही अच्छा पैसा मिल सके और नाम भी कमा सकें। कई बार गलत करियर चुनने की वजह से पछतावा होता है और तो और अपनी क्षमता को ना दिखाने की वजह से छात्र छात्राओं में निराशा भी हाथ लगती है। ऐसे में अगर आप भी अपने करियर को लेके दुविधा में हैं, तो चलिए आपको बताते हैं करियर काउंसलर मशहूर प्रोफेसर मधुरिमा के जरिए कि कौन सा करियर चुने जिसके जरिए आप आगे चलकर पछताए नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बच्चे जिनका रिजल्ट आने वाला है, और सबसे पहले तो वो रिजल्ट अपना देखेंगे, और ऐसा नहीं कि वो रिजल्ट के बाद कुछ डिसाइड करेंगे, थोड़ा तो मन वो पहले से बना ही लेते हैं कि मुझे किस लाइन में जाना है। और जो उनके मार्क्स आ रहे होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर के, या जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको लेके, या जो अपने फ्रेंड्स से वो बातचीत करते हैं उसके बेसिस पे वो अपनी एक राय बना लेते हैं कि हमको इस लाइन में जाना है। तो ज़्यादातर बच्चे ऐसा कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते दुविधा में भी होते हैं क्योंकि वो ठीक से डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको क्या करना है। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि पहले जहाँ तक हो सके पूरे सब एरियाज़ में अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो उनको पता करें कि क्या क्या मतलब ऑप्शंस हैं जिसमें कि वो एक्सेल कर सकते हैं। अपने बारे में भी जानें, ना केवल बाहर के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में जानें, बल्कि स्वयं से भी ये सवाल पूछें कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे लाइफ में क्या चाहिए, क्या मुझे लाइफ में पैसा चाहिए, या मुझे लाइफ में खुशी चाहिए, क्या मुझे लाइफ में स्टेटस चाहिए, या मेरी लाइफ आगे कैसी चलने वाली है। क्योंकि एक करियर एक ऐसी चीज़ है जहाँ जो पहला कदम कोई भी स्टूडेंट रखता है तो वो आगे जो भविष्य उसका होने वाला है उसमें उसकी तरफ वो कदम रखता है, और आगे की लाइफ उस पर बहुत कुछ डिपेंड करती है। तो पहले सूचना गैदर करें बाहर से भी, स्वयं के बारे में भी जानें, और स्वयं के बारे में जानने का सबसे अच्छा साधन ये होता है कि बच्चे कभी कभी खुद को भी नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या हैं कैसे हैं, तो उनके पेरेंट्स इसमें गाइड कर सकते हैं, उनके टीचर्स इसमें गाइड कर सकते हैं, या उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनसे वो बातचीत करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनायर्स अवेलेबल होते हैं वेबसाइट पे, उसके थ्रू वो जान सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की है और उनको क्या क्या चीज़ें उनके व्यक्तित्व के गुण हैं और कहाँ पर वो लैग करते हैं या उनके वीक पॉइंट्स हैं। तो पहले लक्ष्य निर्धारित करें, अपने बारे में जानें, इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसके बारे में जानें, और उसके बाद में वो निर्णय लें। मैम, अगर देखें कोर्स की, तो किन कोर्स में आजकल नौकरी के स्कोप ज़्यादा है, ट्रेडिशनल कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स? देखिए, ये कहना कि किसमें चांसेस ज़्यादा हैं ये बहुत कठिन है, क्योंकि सब जगह भरपूर चांसेस हैं। एक ज़माना था जबकि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर टीचर्स यही एक लिमिटेड लाइन सी, लेकिन अब आजकल जो एक एवरेज इंटेलिजेंस का बच्चा है या उसके अंदर जो भी कौशल है उससे संबंधित भरपूर संभावनाएं हैं। बस जानकारी लेने की ज़रूरत है कि अगर आपको डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, तो भी आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर आप इनोवेटिव तरह से काम कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट है, या फैशन टेक्नोलॉजी है, आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स हैं, लॉ की फील्ड में बहुत से काम हो सकते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन के एरिया में काम हो सकते हैं। तो अपनी रुचि को जान के आजकल भरपूर उसमें ऑप्शंस हैं, और जिस भी लाइन में आप पैशन से काम करेंगे, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, उस जगह पर पहुँच के फिर आप अपना कुछ नया भी दिखा सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं, और अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आज ज़माना है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो आप अपना एक नया काम भी शुरू कर सकते हैं जिसमें आप ना केवल एक नौकरी करें बल्कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं। तो खुद को देखना है कि आपके अंदर पैशन किस चीज़ का है। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।